सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। एमएसटी सिटी 2024 को लेके एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई है। जो भी स्टूडेंट्स एमएसटी सिटी 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते थे, उनके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन डेट, सीईटी की रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है डिक्लेयर हो गई है सीईटी सेल की तरफ से। और जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। कुछ टाइम टेबल में चेंजेस भी है, जो कि हम लोग इस टाइम टेबल में हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी अपडेट चेक करनी है सीईटी सेल से रिलेटेड, कुछ भी अगर आपको अपडेट चेक करनी है, आप सिंपली जो है cetcell.mahacity.org पे जाओ एंड यहाँ पे सारी ऑफिशियली अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस एक्टिविटी शेड्यूल फॉर ऑल सीईटी रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे सीईटी सेल वालों ने जस्ट अभी 11 तारीख को ही इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग को टाइम टेबल में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले। यूजुअली सीईटी सेल क्या करता था, हमेशा मई में एग्जाम कंडक्ट कराता था, जब आपके जेईई के एग्जाम हो जाते थे और नीट के एग्जाम हो जाते थे। बट इस बार जो है सीईटी सेल वालों ने क्या किया कि आपके एग्जाम अप्रैल में ही कंडक्ट कराएंगे। 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आपके एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले। अभी इस बार एक ट्विस्ट आ गया है कि हर बार क्या होता था कि पीसीएम वालों का एग्जाम पहले होता था एंड पीसीबी वालों का एग्जाम बाद में होता था। बट इस बार सीईटी सेल वालों ने क्या किया है, पीसीएम वालों का जो है बाद में एग्जाम लिया है एंड पीसीबी वालों का देख सकते हो यहाँ पे पहले एग्जाम होने वाला है। पीसीबी के लिए देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या है, 16 जनवरी से लेके 1 मार्च तक आप रजिस्टर कर सकते हो। लगभग 1.5 महीने का आपके पास टाइम है, काफी लंबा टाइम है रजिस्ट्रेशन का। आपको घाई नहीं करनी है, आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। वहां पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने, सारी चीजें हम लोग देखने वाले। उसमें आप जो है, आप जल्दबाजी में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म मत भरना, बिल्कुल भी मत भरना, हो सकता है आपके जो है वहां पे गलती होने के चांसेस हो। तो इसलिए आप जो है थोड़ा सा वेट करना, 16 तारीख को ही मत भरना, आपके पास काफी ज्यादा टाइम है, तब आप भरना। आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो भी आएगा, इसलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सीईटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इस चैनल के थ्रू देखने को मिलेंगे। तो 16 जनवरी से जो है 1 मार्च तक आपके रजिस्ट्रेशन डेट्स है। और पीसीबी वालों एग्जाम का देखो यहाँ पे 16 अप्रैल से जो है आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। 16 अप्रैल to 23 अप्रैल देख सकते हो यहाँ पे पहला एग्जाम जो है इन लोग ने, पहले पीसीबी वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम इन लोग ने रखा है, कंडक्ट किया है, देन उसके बाद जो है पीसीबी वालों का है। पीसीएम वालों का एग्जाम्स देख सकते हो आप 25 अप्रैल से स्टार्ट है 30 अप्रैल तक। तो यहाँ पे पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी राहत की बात होती है कि आपको जो है थोड़ा सा और ज्यादा टाइम मिल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। बिकॉज अभी इस बार जो है सीईटी बहुत ही जल्दी हो रही है और बहुत कम टाइम है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए। अगर आप मोटा मोटा टाइम देखेंगे भी, अगर आप 3 मार्च आपका लास्ट पेपर मैथमेटिक्स होने के बाद भी आप सीईटी प्रिपरेशन करते हैं, लगभग आप 10 मार्च से भी स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन, तब भी आपके पास 1.5 महीने का टाइम पीरियड होता है। 10 मार्च से भी अगर आपने स्टार्ट किया तो नियर अबाउट 45 डेज आपके पास होंगे प्रिपरेशन के लिए। 45 डेज आप प्रिपेयर कर सकते हो एमएसटी सिटी एग्जाम के लिए। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, पहले से ही आप प्रिपेयर करके रख लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। सबसे पहला जो है आपका एसएससी का मार्कशीट लगने वाला है, 1-2 ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखो रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे उतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले, जब आपका काउंसलिंग का जब फॉर्म रिलीज होगा तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। अभी आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए एंड आपके पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और कोई कास्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी एसबीसी एनटी वीजे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो कास्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, उसके वजह से उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जो ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 800 फीस होती है और जो कास्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ 600 पे करना होता है। ओपन कैटेगरी वालों के लिए 800 होगी फीस एंड कास्ट कैटेगरी वालों के लिए 600 फीस होगी। अब इसके लिए आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखने। देखो अभी से ही आप प्रिपेयर करोगे, देखो जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी हो गया, एनसीएल हो गया, ये जल्दी नहीं बन पाता है। तो काउंसलिंग के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट इशू फेस करते हैं, तो आप पहले से ये सारी चीजें प्रोसेस में करके रखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और ऐसी यूजफुल और ऐसी यूजफुल अपडेट्स देखने के लिए जो है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।